नमस्कार, प्रणाम, सादर अभिवादन। सहर्ष स्वागत है सभी हस्तियों का हमारे समारोह कला की माला यास्तिका में। उन्नति की एक ही परिभाषा, स्वतंत्रता, तकनीकी और संस्कृति, और इन्हीं तीनों रंगों में डूबी हुई है आज की यह शाम। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट 75 ईयर्स ऑफ टेक्निकल एक्सेलेंस ऑन गुड़ी पाड़वा, कल्चरल इंटीग्रिटी ऑफ 12 सेंटर्स ऑफ सीडैक, ऑल हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव, परम। परम इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इट्स अ सिनोनिम ऑफ सीडैक। परम सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमात्मा। इसीलिए हम अपने हर अनुष्ठान कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रार्थना से ही शुरू करते हैं। आइए इस अनोखे इंद्रधनुषी गौरवमयी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्री गणेश वंदना से। यह नृत्य वंदन प्रस्तुति लेकर आ रही है हमारी पटना की टीम। आनंद लीजिए। मधुरी नृत्य के बाद प्रस्तुत है सीडैक परिवार के प्रोत्साह वर्धन के लिए हमारे महानिदेशक महोदय जी का संदेश। सो माय डियर सीडैकियंस, आफ्टर वेरी इंटेंस टेक्निकल सेशन दिस आफ्टरनून, आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी फीलिंग द नीड टू रिलैक्स, लूजन आउट एंड पुट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योरसेल्फ। सो मीता एंड हर टीम आर bringing out the much awaited modern theme of Yastika, that is Kala Ki Ek Mala, to you all, prepared this time in a very very unique and a different format, in a way that all centers feel and get to know that there is a joint participation which is happening. So there are events which have been recorded by each center, and they will be mixed, matched and played from here based on the genres and based on the best judgment of the compares as to where they all fit in. So therefore, there will be a participation from each center which will be watched by all the employees virtually and at the same time. So therefore, you know, there's a very unique thing which is happening now, that 12 centers all across the country, 3000 employees are and their families are getting to watch this program virtually and having a semblance of some sort of a live program, because they can identify with their people who are performing. And the programs have been recorded well in studios professionally. So the ambient noise when the program is going on stage and it is broadcasted, there is a lot of unwanted noise. So those kind of things have been taken care of, and hopefully the reproduction will be much better. And the semblance and the bonhomie of, you know, the togetherness, the team spirit is the basic essence, is the basic theme behind this program, this entertainment program which we all are trying to bring before you. So relax, enjoy yourself, and let us hope that this program will be a big success. So all the best, enjoy.
डीजी सर को धन्यवाद देते हुए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह सीडाक परिवार भारत की भिन्न भिन्न परंपराओं का एक सतरंगी धनुष है, उसी के अनुरूप विभिन्न वाद्य यंत्रों के सुमधुर फ्यूजन को लेकर आ रही है तिरुवनंतपुरम की टीम।
हमें विश्वास है पूरे सीडैक परिवार ने इस अद्भुत फ्यूजन का आनंद लिया होगा। इस क्रम में आज की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस सांस्कृतिक संध्या यास्तिका के अनुरूप आज़ादी के बाद की भारत की उपलब्धियों को एक सूत्र में पिरोकर लाई है हैदराबाद की टीम। प्रेजेंटिंग टीम हैदराबाद विद देयर माइम एक्ट डिपिक्टिंग मेजर माइलस्टोन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एलआईसी का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। नमस्कार, आज का समाचार में आपका स्वागत है। दांतों की करे हिफाजत मोती सा चमकाए, डाबर लाल दंत मंजन से मुखड़ा खिलखिल जाए, किफायती और असरदार। धन्यवाद टीम हैदराबाद। जब बात होती है आज़ादी और शौर्य की तो हम याद करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर मराठाओं को जिन्होंने हिंदवी स्वराज की परिकल्पना की। आई भवानी यानी कि माँ भवानी वीर मराठा कुल की कुल देवी,
द डेटी ऑफ मराठा एम्पायर, उन्हीं पर रची मराठा शौर्य की गाथा प्रस्तुत करने आ रही है टीम पुणे। सररर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरे ताने है माहे भवानी। सननन आंधिया उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। खुदार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है, अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माया भवानी। बेहतरीन प्रस्तुति के बाद यास्तिका की माला में अगला मोती पिरो रही है सीडैक पटना की टीम, और यह खूबसूरत मोती है अपना सीडैक। जी हाँ, प्रस्तुत है एक खूबसूरत कविता आज़ादी। भारत के लिए अपना सुपर कंप्यूटर बनाने की सीडैक की गौरव गाथा, जो हर एक सीडैकियन को गर्व से भर देगी। है फक्र हमें इस मातृभूमि पर जिसकी हम संतान है, देश से बढ़कर इस दुनिया में नहीं कोई पहचान है। याद आते हैं कुछ दर्दनाक पल जिससे इतिहास कुछ लाल हुआ, गोली चल गई मासूमों पर मृत मीन के जैसे हाल हुआ। जलियांवाला हत्याकांड की वो हृदय विदारक कहानी थी, आज़ादी की आग जल गई प्रतिशोध उधम ने ठानी थी। अपने हक को छीन कर लेना वीरों की यही निशानी थी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ये बात अवगत उन्हें करानी थी। तिलक भगत आजाद सुभाष, दिल से इनका सम्मान है। है फक्र हमें इस मातृभूमि पर जिसकी हम संतान है। एक नहीं अनेक जुल्म हुए स्वतंत्रता की आग में, कुछ चल पड़े बंदूक की ओर और कुछ अहिंसा की राह में। लाल बाल की नीति से सभी अभी अनजान थे, बापू के असहयोग आंदोलन से अंग्रेज बड़े हैरान थे। 15 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख बड़ी सुहानी थी, आज़ाद हुआ अपना हिंदुस्तान, आज़ादी की ये कहानी थी। भारत का कानून निर्माण था ये काम नहीं आसान, बाबा साहेब के प्रयासों से बन गया विश्व का सबसे बृहत संविधान। बढ़ता रहा बढ़ता रहे ये भारत देश हमारा, तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में कभी नहीं ये हारा। विज्ञान जगत की दुनिया में बहुत बड़ा एक काम हुआ, महासंगणक परम के निर्माण से देश का ऊंचा नाम हुआ। सिद्धि पद्म परम प्रवेग गंगा युवा और ईशान है, इनके निर्माणक सीडैक को सहृदय मेरा प्रणाम है। ज्ञानादेव तू कैवल्यम, ये कुछ शब्द नहीं सम्मान है। है फक्र में इस मातृभूमि पर जिसकी हम संतान है। आजाद भारत की उपलब्धियों के बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं एक और खूबसूरत प्रस्तुति से। वे पथ क्या,
पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूर न हो। वे पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूर न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आखिर क्यों ना हम गर्व करें अपने देश और सीडैक पर, जिसने विश्व पटल पर भारत को विशिष्ट स्थान दिलाने में हर कदम सहयोग दिया है। आइए देखते हैं सीडैक चेन्नई की अगली प्रस्तुति, जो सीडैक के गौरवशाली इतिहास से हमें रूबरू कराएगी। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज दीपरंजन देव, आई एम न्यू जॉइनी हियर। गुड मॉर्निंग मिस्टर दीपरंजन देव, वेलकम टू सीडैक। यू आर रियली लकी टू जॉइन सीडैक टुडे। The joint formalities will take some time, Deep. So can you please make yourself feel comfortable by waiting for some time? Of course, ma'am. And meanwhile, can I visit premises the CEDEC? Why not? You can go ahead. Okay. Yes, energetic young man. Who are you? My name is Dipranjan Dev. I am new joining here. Today is my first day. I am just observing the things around. So what did you observe here? I just noticed CEDEC Founders Day poster in big smart TV and Param machines. I am very interesting to know about it, sir. Acha, it's great. You are very curious. Come. Just walk with me. I'll just add fuel to your curiosity. Yeah, take a seat. During the 1980s, India was struggling with Western countries for supercomputing facilities, primarily for its weather forecasting applications. At the same time, our country's space agency was working on synthetic aperture radar technology. Though our nation intended to use supercomputers for research purposes only, the Western countries feared that India might use it for defense applications, followed by the impose of sanctions on export of supercomputers to India. Let's watch how the story of building India's first ever indigenous supercomputer began. Gentlemen, my recent meeting with Mr. Ronald Reagan didn't play well. So we need to find a solution for this problem. I have an idea. Why can't we develop our own supercomputers? Exactly. That is what I was also thinking about. Let's give it a try. Sir, we are known for doing the impossible things. Why can't we do this? Okay, Mr. Patkar, I will ask you three simple questions. Can we do it, and how much cost it will take, and how much time it will take to complete this project? Sir, I haven't seen a supercomputer. I've seen it in pictures only, but I still feel we can do it. It is going to take less time than the time needed to import another machine. It is going to cost less than the one which are about to import. So I think we as a team can do it. Okay, Mr. Patkar, the project's approved. Let's do it. Sir, anything else happen? Yes. Hello, Mr. Dev. So here's a welcome kit from CEDEC. Thank you. Okay, and all the very best. Thank you. Thank you.
If you lose your heart, in Olympics, if you lose your heart, you cannot. You have to begin and run. So that is going to be for technological race. So I say that never give up. Have a strong thing, and future belongs to India. The message which I want to give, that future belongs to, this century belongs to India. Then India completes 75 years ago. I think what we are celebrating now, Atmanirbhar Bharat, we are building the whole technology ourselves, including the chips. And we are on that path of building the chips. Chips within India, they manufacture somewhere. Okay? We are talking about the foundries of India, tomorrow's first foundry of India, which some people, Tatas, are ready to build such foundries also. So that is the myth, India, which we are talking about. I think that is the technology we are talking about. And we are talking about quantum computing. So get ready for this very exciting journey which is before you. बहुत बहुत धन्यवाद। फूल खुशबू उन पे उड़ती तितलियों की खैर हो, फूल खुशबू उन पे उड़ती तितलियों की खैर हो, सबके आंगन में चहकती बेटियों की खैर हो, सबके आंगन में चहकती बेटियों की खैर हो। अहमद सज्जाद बाबर के इस शेर के साथ आगे बढ़ते हैं टीम नोएडा की प्रस्तुति की ओर। गिविंग विंग्स टू डॉटर्स, बेटियों को उड़ने दो और फिर उनकी उड़ान देखो। खूबसूरत नृत्य के माध्यम से ये संदेश लेकर आ रही है नोएडा की टीम। ओरी चिरैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर वा जा रे है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले
Noida for this beautiful message, which aligns to the initiative of Government of India, Beti Bachao, Beti Padhao. आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, परंतु शायद हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये आज़ादी हमें कितने बलिदानों से मिली है. भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई सेनानियों के बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं. स्वतंत्रता संग्राम के इन्हीं गौरवशाली घटनाओं को एक्ट के माध्यम में हम तक लेकर आ रही है टीम मुंबई. दिन है, हम यहां किसी किस्म का फसाद. पोजीशंस लोड फायर. सर्वधर्म समभाव भारतीयता के मूल में रहा है और यही स्तंभ है इस विशाल गणतंत्र की निरंतर प्रगति का. इस संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई के साथियों. ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की शहादत को याद करते हुए इस गाने की जो आवाज़ हमारे दिल को नम कर जाती है, उसी स्वर को किला भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के गीतों पर एक खूबसूरत प्रस्तुति लेकर आ रही है टीम मुंबई। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन जागर है। नृत्य प्रस्तुति यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, यही है हमारे देश की खूबसूरती। भारत की यास्तिका के ऐसे एक खूबसूरत मोती को आसाम की चाय बागानों में भिगोकर ला रही है टीम सिलचर। आइए आनंद लीजिए इस महकती खुशबू का।
अनेके प्रदेशा अनेके चिवेशा अनेकानि रूपानि भाषा अनेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारत तत् सदा रक्षणीयम्। मेनी रीजन्स मेनी अप्रेल्स मेनी फॉर्म्स मेनी लैंग्वेजेस वेर वी ऑल आर इंडियंस बिलव्ड इंडिया ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। आइए स्वागत करते हैं टीम कोलकाता का देशभक्ति के इस फ्यूजन गीत के साथ। Our second offering celebrates the triumph of our innate motivations of freedom and carefreeness and of imagination. It also celebrates love as the supreme emotion. It befuddles you. But in the ultimate analysis, coupled with a romantically motivated carelessness, it offers you the ultimate salvation from the nuances of life. It is a song about love and of carefree attitude, bereft of the sweat from the trivialities of life.
हमें विश्वास है टीम कोलकाता की प्रस्तुति ने आप सभी के दिलों को छू लिया होगा। जैसे कहा गया है, डांस इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, सो प्लीज वेलकम टीम तिरुअनंतपुरम विद अ डिवाइन फ्यूजन ऑफ क्लासिकल डांस एंड मार्शल आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम द गॉड्स ओन कंट्री केरला। Baby.
visiting Tiruvananthapuram for this beautiful dance medley. To take this fusion sequence one step ahead, team Pune lekar aa rahi hai shastriya nritya kathak, geet aur vadya yantron ki madhur jhankar ka adbhut sanyojan. Main rahun ya na rahun, Bharat ye rehna chahiye. धन्यवाद टीम इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। भारत के नृत्यों की बात हो तो पंजाब की बेफिक्र और ऊर्जा भरे लोक नृत्यों को कौन नहीं याद करेगा। सीडैक मोहाली की टीम लेकर आ रही है हरे खेतों, सरसों दा साग और मक्के दी रोटी की महक से भरकर पंजाबी लोक नृत्य।
तो आओ जी आओ बादशाह पाओ भंगड़ा पाओ गिद्दा। After this energetic celebration, we move ahead to the new Connect of India. Yes, Digital Connect of India. Digital India, जो भारत के जन-जन को सशक्त कर रहा है, जिसे CDAC से ज़्यादा और भला कौन समझ सकता है? टीम नोएडा एक आइकॉनिक एक्ट के माध्यम से पेश कर रही है दास्ताएं डिजिटल इंडिया। हाँ तो भाई, बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। इन जनाब को पहले ही पता चल गया था कि दो दशकों बाद कोरोना ने पधारना।
तो सन 1999 में ये जनाब चले गए लंबे से हाइड्रोजी कोमा में था बुड्ढा। इन दो वर्षों में बहुत से बदलाव है और इन बदलावों से अपरिचित ये जनाब अभी अभी नींद से जागे हैं, मेरा मतलब था कोमा से जागे हैं। तो आइए देखते हैं इनके दिमाग के परखच्चे कैसे उठते हैं। अरे ओ गोलू की माँ कहाँ मर गई? अरे मुन्ना कब बकतो, कहाँ मर गए? सब जल्दी आओ मुन्ना, जल्दी आओ, डॉक्टर से दादा के वीडियो कॉल पे बात करो। ए बुढ़िया तू कौन है? मैं गोलू की माँ हूँ। 20 साल से तो तुम सो रहे थे, अपनी शक्ल देखी आईने में जाके, मुझे बुढ़िया बुढ़िया पुकार रहे हो। लो दादी डॉक्टर साहब वीडियो कॉल पर है। माता जी जरा पेशेंट से मेरी बात करा दीजिए। हाँ जी लीजिए डॉक्टर साहब से बात करिए। अरे ये आदमी कैसे घुस गया इस फोन में? मैं तो शुरू से ही जानता था तू जादू टोना फूकती है। नहीं नहीं दादाजी, ये स्मार्टफोन है, इसमें वीडियो कॉल का फीचर है जिसमें हम कहीं से भी किसी से भी बात कर सकते हैं। अरे गोलू की माँ ये बता, ये बच्चा कहाँ से उठा के लेके आ गई है और ये क्या गान ज्ञान झाड़ रहा है? ये तुम्हारे गोलू का ही बेटा है, यानी कि तुम्हारे पोता। मेरा पोता? मैं कोई से गूगल से डाउनलोड नहीं करके लाई हूँ। माता जी आपसे महाभारत बाद में निपटा लूंगा, पहले मेरी फीस भिजवा दो। मुन्ना बेटा जरा भीम यूपीआई से 1000 रुपए डॉक्टर साहब को पे तो कर देना। अरे इस तपती धूप में बच्चे को बैंक कहाँ भेजेगी? अरे ना ना बैंक नहीं जाएगा तुम्हारा बेटा। अच्छा। आजकल घर बैठे ही फोन पे भीम यूपीआई के द्वारा हम पैसे भेज सकते हैं। मैंने अपने दोनों खाते जोड़ लिए इसके साथ। तुम अब जिंदा हो गए हो, यानी कि सो के उठ गए हो। अच्छा। तुम्हारा भी मुन्ना इसके साथ खाता जोड़ देगा। हाँ अपना ओटीपी और पासवर्ड किसी को शेयर मत करना सिवाय मेरे। मैं तुमको भी शेयर नहीं करूंगा। क्या इस बला से बात कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और पैसे भी भेज सकते हैं? अब ये मत कहना कि मुन्ना पढ़ाई भी इसी पे करता है। आपको कैसे पता दादाजी? अभी अभी जूम पर मेरी क्लास खत्म हुई है। अच्छा। मैंने तो बस ज्वाइन की और मैगी खा रहा था और साथ में पबजी खेल रहा था। हे भगवान मेरा तो सर चकरा रहा है, मेरे तो गाँव की टिकट कटा दो, मेरे को नहीं रहना शहर में। दादाजी ऑनलाइन दवाई मंगवा दूं या आप कहें तो जोमेटो से बिरयानी मंगा देता हूँ। जोमेटो कहाँ खुला है? वो पान वाले के बगल में। ओहो दादाजी ये भी एक ऐप है खाना मंगवाने के लिए। अच्छा। ओहो मुन्ना छोड़, तू IRCTC की साइट पे जा, इनकी टिकट बुक करा, डाउनलोड कर, प्रिंट ले और ताऊ जी को मेल भेज दे, इनके हम एक पैसा नहीं खर्चवाएंगे। अरे तू तो गंवार की गंवार रहेगी, उसे तो चिट्ठी बोलते हैं। अरे मुन्ना ये बात बता कि पिछले 20 सालों में भगवान ने कोई अवतार लिया है या नहीं, या दानव के रूप में ये तेरा स्मार्टफोन आया है? नहीं नहीं दादाजी डिजिटल वेव आई है। अच्छा। कनेक्टिविटी की बढ़ गई है, मूवी की टिकट से लेकर एरोप्लेन की टिकट तक। अच्छा। सब बुक कर सकते हैं। अच्छा। घर बैठे बैठे ऐसा भीम यूपीआई की मदद से कहीं से भी किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। बोर होने पर आप यूट्यूब पर गाने भी सुन सकते हैं, बस टोनी कक्कर के मत सुनिएगा। पढ़ाई लिखाई यहाँ तक की ऑनलाइन नौकरियाँ तक उपलब्ध है। नौकरियाँ भी उपलब्ध है, जोमेटो भी है, भीम यूपीआई भी है। हे भगवान मेरा तो सर चकरा रहा है, इससे तो अच्छा मैं कोमा में ही था, मैं चला सोने। अच्छा है जाओ। आप मर गया। थैंक यू टीम। भारत के कोने कोने में स्थित सीडैक के केंद्र भी भारत की तरह विविधताओं से भरे परंतु मन से सब एक विचार और एक उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, एडवांस कंप्यूटिंग फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट। इसी को दिखा रही है हमारी अगली परफॉर्मेंस। इसी क्रम को आगे बढ़ाने आ रही है टीम पटना लेकर एक डांस फ्यूजन परफॉर्मेंस ऑन बॉलीवुड मैशअप। बड़ी मुश्किल
गोरे गोरे गालों पे है काला काला बिल्ली। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। जरा बटके रहना चलिए, जरा बटके रहना चलिए, मेरी अदा भी है काबिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला दिल। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। स्लो ओ इक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। इक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, खूबसूरत बॉलीवुड डांस फ्यूजन हो तो उसके साथ लोक संगीत और नृत्य का फ्यूजन क्यों ना हो। और अगर ये फ्यूजन देशभक्ति से परिपूर्ण हो तो बात ही क्या है। हमारे सिलचर के साथी लेकर आ रहे हैं पूर्वोत्तर की अद्वितीय लोक संगीत और नृत्य के फ्यूजन को। स्वागत कीजिए सिलचर के साथियों का और आनंद लीजिए पारंपरिक कलाओं का। नीली बो सोना रूपा मोतिया
दिया मोइनी जावो बिना दिया बेरा दया हरे हाय सुंदर काया माटी ते मिल जाबू ओ जानो पंजाब की हर्षोल्लास भरी और दिलदार परंपराओं को तो हमेशा देखा है पर पंजाब राज्य का एक और पहलू है जिसे हम सब जानते हैं पंजाब राज्य है वीरों का शूरमाओं का तो आइए अगली प्रस्तुति सीडैक मोहाली के साथियों द्वारा संदेह से आते हैं गीत पर से आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है को सलाम दे हाँ मेरे गांव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उसे मेरे प्यार का जाम दे उसे मेरे प्यार का जाम दे ऐ गुजर
एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। धन्यवाद टीम मोहाली। देश के कोने कोने से आती हुई प्रतिभाओं से सजी इस शाम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सीडैक बैंगलोर की टीम को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने एक प्रस्तुति के माध्यम से सीडैक के विजन को हमारे सामने लाने की कोशिश की है। मैं समय हूं और आज भारत की तकनीकी तरक्की की एक छोटी सी झलक दिखाने आया हूं, और जब तक मैं हूं ये तरक्की चलती रहेगी, और मेरे सिवा ये कोई और दिखा नहीं सकता। मेरा कोई अंत नहीं, क्योंकि मैं समय हूं। ओहो अरे अभी तो सिंचाई बाकी है खेतों की, अभी कर देता हूँ। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। अरे ओ शांति, बबलू को बुलाना, स्कूल के लेट हो जाएगा वो। कुल जी, आज वो घर से हाइब्रिड क्लास ज्वाइन कर लेगा। अरे वाह, स्मार्ट होम की स्मार्ट मालकिन बन गई हो तुम, हमारे टाइम पे तो। So students, the goal of neural networks is to understand the patterns within the data. Any doubts so far? No, ma'am. I understood it clearly now. I hope it's clear to the online students as well. Yes, ma'am. So students, I have shared the course content, the assignments, everything on the e-class portal. Please submit it within the scheduled time. I finished the quiz, ma'am. Great. I finished it. Okay, students. So you all are graduating with our apps course in DVDA. So congratulations. I hope you all are very excited about your graduation ceremony. Yes, ma'am. We are all very happy as we got placed in AX placement. सुना ये पूरी धरती तू चलाता है,
मेरी भी सुन ले अर्ज, मुझे घर बुलाता है भगवान, है कहाँ रे तू। सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा। मेरे पास पैसा है, बिल है, पर लाइन में खड़े होने की हिम्मत नहीं। डोंट वरी दादू, मेरे पास बिल पेमेंट करने की ऐप है। हमारे जमाने में तो बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। अरे ओ ब्लैक कपड़ा, क्यों थक रहे हो लाइन में रह के? क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बिल मोबाइल पे करो। मैं अपना क्यों टाइम खराब कर रहा हूँ, मुझे पार्टी में जाना है। को इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है। ये ऐप से पेमेंट करना सिक्योर है? एकदम सिक्योर है, ये पीके का मजबूत कोड है। हो गया। ओके देन, चलो दोस्तों पार्टी करते हैं। आ जाओ आ जाओ। आओ दोस्तों, सब सीढ़ियां किन के साथ मिलके डांस करेंगे। ओके। प्रौद्योगिकी की प्रगति
आजाद भारत में हम प्रगतियों का किस्सा दोहराते रहेंगे और मैं समय ये प्रगतियां आपको दिखाता रहूंगा। जय हिंद। थैंक यू टीम। जिस तरह शाम गहराती जा रही है, गहराता जा रहा है नशा भारतीयता का, एक नशा देश प्रेम का। हमें यकीन है हर दर्शक आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत की परंपराओं और प्रतिभाओं के इस समागम में डूब चुका है। देश प्रेम और एकता को समेटे अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है टीम नोएडा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे थोड़ी सी धोकने वाली दग 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 सांसे, चिन्ह हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोए तू रंग दे बसंती यारा, मोए तू रंग दे बसंती। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमने कहा है, हमने कहा है जो तुम भी कहो। लहरा दो लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। थैंक यू टीम। हमें गर्व है भारत पर और हमें गर्व है सीडैक पर, जिसने हर कदम भारत के विकास में योगदान दिया है। इसी पर आधारित अगली प्रस्तुति है हैदराबाद के साथियों द्वारा, जिसका शीर्षक है माय इंडिया माय प्राइड। प्लीज वेलकम टीम हैदराबाद। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा लड़ जाना, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। Yeah.
करते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। थैंक यू टीम। नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ रिसर्च में अपने पांव जमाते हुए सीडैक डेली यास्तिका के लिए लेकर आई है गीत संगीत और नृत्य की कुछ झलकियां। Assembling. Process ready. Checking robo. Linking partners. Verifying connections. Executing process. Ready. 3, 2, 1. Go. Ready. Let's rock. I am fine. Yeah. The unit has been neutralized. Auto check. No error. Process ready. All clear. 3, 2, 1. Ready. के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फायर मन में दम, मीलों मील से मसना होंगे हम। तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद में बेफूकों से उड़ा दी, गिन गिन कर
थैंक यू टीम। चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। हमारी अगली प्रस्तुति है वंदे मातरम की मधुर धुन पर सीडैक मुंबई की टीम की ओर से। थैंक यू। धीरे धीरे यह सांस्कृतिक संध्या अपने अंजाम तक पहुंच रही है। सारे साथियों का जोशो जुनून, आगे बढ़ने की इच्छा और सीडैक के लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय और प्रबल होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, इसी को दर्शाती एक सुंदर प्रस्तुति जागो मोहन प्यारे लेकर आ रही है कोलकाता की टीम। Oh, my knees are bruised.
तपमंत्रे प्रभात सूर्यनु गंभीर मंत्रे जागरे 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 जाग जाग जागरे जागरे जाग जाग तपमंत्रे प्रभात सूर्यनु गंभीर मंत्रे जागरे 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 जाग जाग धन्यवाद टीम। अब हम यास्तिका के आखिरी मोती के करीब पहुंच रहे हैं और अपनी थीम के अनुरूप इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए हैदराबाद के साथियों को एक खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत की जय विजय और अनेकता में एकता की शक्ति को समर्पित यह प्रस्तुति। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी है, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हमें सत्य के पद पर चलना पुरखों ने सिखलाया था, जो हमने पर चलते जाना है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। वो भाषा हम नहीं बोलते, मैल भाव सिखलाती जो मीठी बोली बोल के कोयल सबके मन को बाती हो, जिसके अक्षर भरे हम वह भाषा भाषी है। हम सब भारतवासी हैं। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम इन सब से पहले केवल भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। हम सब भारतवासी हैं। थैंक यू टीम। इट इज ट्रूली सेड, आवर यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी इज आवर पावर। द सेम अप्लाइज फॉर आवर कंट्री एंड फिट्स वेल फॉर सीडैक ऑल्सो। विद दिस ब्यूटिफुल थॉट आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर डीजी सर for the closing address of this colorful evening. What a wonderful performance. You all seemed so far but yet so near. And I think this program has really achieved, and probably more than that, the aim and the goal for which it was designed, of displaying our bonhomie, displaying our unity, and of course our the message of Azadi Ka Amrit Mahotsav, which you all are celebrating. All these aims and goals have been very nicely achieved with this wonderfully designed program, and I congratulate each and every one of the participants, the organizing committee, and all the people who have been behind the videos and the stage management
and so many other activities which have gone on behind the curtains to make this program a great success. I once again congratulate all of you, and this has been a program of its kind. So thank you all. Keep it up. Thank you, sir. India at 75 पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आज हमने सीडैक के 35वें स्थापना दिवस पर अपनी कला मुक्तिकाओं से माँ भारती को यास्तिका 2022 अर्पण की। अब आवश्यकता है शपथ रूप में एक गांठ लगाने की, हमारी एकता और भाईचारे का बंध। समग्र रूप में सीडैक एक शक्तिशाली और समृद्ध संस्था के फॉर्म में देश व समाज के उत्थान में यूं ही योगदान देता रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। इस पूरी शाम को आपके सामने इतनी खूबसूरती से सजाने के लिए सीडैक के सारे केंद्रों के सभी साथियों को धन्यवाद देती हूं। दिस सेलिब्रेशन रिजुनेटेड अस विथ फ्रेश एनर्जी एंड न्यू जील विच डेफिनेटली एक्साइट्स अस टू कम अप विथ मोर फ्लावरी कलर्स फॉर द नेक्स्ट फाउंडेशन डे। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।